अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अशफाक, और आज मेरे साथ मौजूद हैं माहीन। माहीन माहीन, परेशान क्यों है? परेशान नहीं हूं, बस धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी है ना। अच्छा, गर्मी को तो आप छोड़ें, ये महंगाई हो गई है और मेकअप भी लड़कियों का महंगा हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? जुल्म किया है हम पर, और क्या, हम पे भी तो जुल्म हुआ है, पेट्रोल महंगा है। रिपोर्टिंग चल रही है, हाँ ना, हाँ हाँ, पूछे। तो मैं ये कह रहा हूँ, पेट्रोल भी महंगा हो गया आजकल, जो ये निब्बा निब्बी हैं, ये डेट कैसे मारेंगे, आएंगे कैसे, पैदल आएंगे? अभी घंटा भी नहीं मार पाएंगे डेट, अभी लड़का क्या करेगा, 200 रुपए का, 210 रुपए का पेट्रोल है ना, 210 रुपए का पेट्रोल है, किसी से भीख मांगेगा, दोस्त से बाइक लेगा, कुछ करके यहाँ आके बिठा देगा, खाना तो खिला नहीं पाएगा, या इधर कुत्ते की तरह कोने में बैठ जाएगा। क्या हो रहा है? सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। तो वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप कौन? अच्छा, इनसे सवाल, मेरे को लगा जिसको जवाब आता है वो दे दे, सॉरी। ये क्या बेइज्जती है? नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं तो नहीं, मुझे लगा जिसको जवाब आता है वो दे दे। तो ऐसा तो नहीं, आपको सारे जवाब आते होंगे, सारे नहीं दूंगा मैं, जिस जो मुझे पता है। आपको हमने बुलाया है, हम खुद बात करें। अच्छा, बात करें। अच्छा माहीन, देखो मेरा से ये एक मासूमाना सवाल है, लड़कियों की चॉइस को क्या होगी, आजकल वो ऐसे लड़कों के साथ पाई जाती हैं कि हमें देख के रश्क आता है, क्योंकि जो हैंडसम लड़का होता है वो लगता है वो उनकी पहुंच से दूर है, तो इसीलिए जो भी ऐला मेला टेढ़ा जैसा मिलता है उनके साथ कर लेती है। छोड़े आप, क्या हुआ? उन्होंने सवाल मुझसे किया, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? क्योंकि ये जवाब मैं दे सकता हूँ ना, मैं लड़का हूँ, मैं दे सकता हूँ। ये आपने मेरे जले पे नमक छिड़का, तो ये जवाब तो मैं ही दूंगा। ये लड़कियां जवाब देंगी तो अच्छा लगेगा ना, पता तो चले है क्या लड़कियों की सोच। अच्छा पूछे, मसला नहीं है मुझे। आप छोड़ें इसको, आप मेरी बात सुने, आप सब कुछ छोड़ें, आप इसको साथ लाएं। नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ कौन है। तो पीछे से देखा, मैंने कहा रिपोर्टिंग हो रही है, मैं कभी टीवी पर आया नहीं, पता नहीं। हां, कैमरामैन अच्छा लग रहा हूं ना टीवी पे। हां, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहरान हाशमी, और आज का हमारा टॉपिक है बॉडी बिल्डिंग और सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। तो सर जी सेहत के हवाले से, कैमरा है कसम से, ये टांगों पे खड़ा है। हाँ ना, टांगों पे, तीन टांग है इसके, ये कैमरा मर्द है, इसके तीन टांग है। हाँ जी, आप सर इस तरफ आ जाए थोड़ा सा। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर हैदर नाम है मेरा। हैदर नाम है, माशाल्लाह हैदर भाई, आप बहुत लंबे। आपका नाम क्या है? अच्छा, वेरी गुड। हैदर भाई, मेरा जो टॉपिक है वो है हेल्थ, सेहत। माशाल्लाह आप हाइट गॉड गिफ्टेड होती है, हाइट देखिए, हाइट मेहनत से नहीं आती, मेहनत से आप आती तो मैं अपना कुछ उखाड़ लेता अपने लिए, हाइट आती है गॉड गिफ्टेड, लेकिन सेहत आप खुद बना सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि लड़कों को जिम जाना चाहिए और बॉडी बनानी चाहिए? जी, लड़कों को जिम जाना चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए, ताकि लड़कियां भी इंप्रेस हो, कहीं बंदा जाए, पर्सनैलिटी में उतरे, दासू पर्सनैलिटी, गाड़ी से उतरा, बाइक से उतरा, ट्राई से बले गए, बाइक से बले गए, चेस्ट का पौधे, सिक्स पैक, ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा था। तो आपको क्या लगता है कि बॉडी बनाने के लिए जो लड़के स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं, ये सही करते हैं या गलत करते हैं? नहीं देखो, ये बिल्कुल गलत है, जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी खुराकें दी हैं तो हम वो खाएं ना भाई, फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट है, मिल्क है, ये सब कुछ शेक वगैरह बना के पियो, बॉडी बन जाएगी इंशाल्लाह। सर मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी करूँ ये काम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अशफाक, और मेरे साथ मौजूद हैं हसन अली रज़ा। ये नाम है, एड्रेस है? नाम है मेरा। इतना बड़ा नाम यार, ये नाम बताते गोवा पहुंच जाएंगे? नहीं नहीं, गोवा नहीं पहुंचेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। आप ये मुझे बताओ कि मेरा एक आपसे सवाल है कि आजकल जो है भाईजान, सर ये क्या फिल्म बन रही है? फिल्म नहीं, नहीं फिल्म, इंटरव्यू। आपने इतना काला हीरो लिया हुआ है? हीरो नहीं, मैं बेहतर हूँ हीरो। यार इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू, मैं वही देखूं, मैंने कहा हीरो तो फिर मैं अच्छा लगूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। आजकल जो है लोगों में एक क्रेज फैला हुआ है कि जो है मुर्गी महंगी हो गई है, तो मुर्गी की जगह वो आजकल खोते का गोश्त चला रहे हैं होटलों में, ये क्या हो जाए? सर जी, आपको पता है पेट्रोल कितने का हो गया? सर 210। तो फिर मुर्गी को लाने में जो कॉस्ट लग रही है, उस हिसाब से मुर्गी जायज़ महंगी हुई है ना यार। अच्छा। मेरे नज़दीक बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा मेरी बात सुनो, आप छोड़ो, कोई और सवाल आपसे पूछता हूँ। KGF मूवी देखी? जी पूरी देखी। KGF मूवी देख के बच्चे बड़े पागल हो गए, आजकल हर बंदा रॉकी बना हुआ, ये क्या वजह है? नहीं देखिए, फिल्मों में जो होता है ना वो असल जिंदगी में नहीं होता। अब फिल्मों में 500 गोलियां चल रही, हीरो को नहीं लग रहा, तो ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है मेरे नज़दीक। अगर असल में आप ये करोगे ना, तो एक गोली से इस जैसे के तो चीतड़े उड़ जाएंगे, तो इसीलिए कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन सर, मैं जायज, ये जवाब जो मैंने दिया आप नहीं दे पाते, वो मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप उखाड़ लो। ये लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल आके यहाँ पे पार्कों में डेट मारते हैं, तो रेस्टोरेंट वगैरह इनका क्या होगा, उनका भी तो काम चलाना है। सर उनके पास पैसे ही नहीं होते उनके पास रेस्टोरेंट ले जाने के, पैसे लगते हैं खाना खिलाने में। अभी आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट भी ले जाओ तो 2000-2500 का बिल तो आएगा, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, अच्छी जगह ले जाओ तो 5-6 हज़ार का आएगा, इतनी उनकी औकात ही नहीं है। लड़कियों को चाहिए जो हम जैसों को ट्राई करे, बटवा फुल है, फुल फुल, इधर आओ इधर।
अभी पूछो आपकी बंदा। ये जवाब देना जरूरी था ना, ये जवाब देना जरूरी था। देखो पता नहीं सताया हुआ बंदा, उसके पास बच्ची नहीं है, बच्ची नहीं है तो इसे मुंह पे इसके पास भी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, अंधी होगी, अंधी अंधी है। चलो ठीक है, अंधी से मुझे याद आया आजकल अंधियों की नगरी में रहती होगी वो। हाँ आजकल लोग अंधे बन के बड़ा नाटक कर रहे, भीख मांग रहे, ये क्या वजह है सर? देखिए पैसे नहीं है ना, इसकी वजह भी वही है जो पहली वाली थी, महंगाई। महंगाई काम है नहीं, उन्होंने कहा कुछ मत देखो मांगते रहो। आप माइक तो छोड़े, क्या हो गया? मैं से कर रहे हो तो जवाब मुझे आता है ना, मैं दूंगा जवाब। आप उखाड़ने दे, उखाड़ने, आप उखाड़ने, उखाड़ने। हां नहीं नहीं आता मैं बीच में, भाई जान ने कहा था ना कि आप इसके बाद उखाड़ लेना। हां उखाड़ लो, आपका इधर से दांत ही उखड़ा हुआ है, आप क्या उखाड़ोगे? उखड़ा हुआ नहीं, टूटा हुआ। हां एक ही बात है, चलो आप छोड़ो। 23 मार्च को क्या हुआ था पाकिस्तान में? 23 मार्च को क्या हुआ था? भोंको भोंको, चलो भोंको ना, भोंको भोंको, क्या हुआ? अभी सवाल का जवाब भी आप ही दे दो ना, उधर कैमरे में देख के बताओ क्या हुआ था, क्या हुआ था? लड़का हुआ था, लड़की हुई थी, बताओ। हाथ तो हटाए, तुमको घंटा कुछ नहीं पता, पता है नहीं, और माइक मुंह में चाहिए इसको, बताओ ना क्या हुआ। माइक नहीं लो, तुमको जवाब नहीं आता। 23 मार्च को क्या हुआ था? हाँ बोलो ना, तुमको मौका दे रहे, चलो बोलो कैमरे में देख के बोलो। चलो अरे भाई, चलो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम बोल लो। चलो छोड़ दो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, बोलो, चलो छोड़ दो उसको। क्या हुआ था 23 मार्च को? चुप करो, सील। हमारा कौमी तराना कौन सी जबान में? बोलो ना, बोलो, उर्दू जबान में। तुम ना ही बोलते तो अच्छा था, तुम ना ही बोलते तो ही अच्छा था। दबा करो सर उस्ताद, कोई उर्दू में पूछो, उसकी उर्दू में। यार से मैं जनरल नॉलेज के सवाल पूछ रहा हूं सारे। तो फिर इंडिया का किसमें, फारसी में? बोलो यार, आप सवाल पूछो सर दूसरा। ठीक है, आप वैसे करती क्या है? मैं मॉडलिंग करती हूं। अच्छा मॉडलिंग करती है, मॉडलिंग में ये आजकल लड़कों को नहीं ले रही है, क्या हो जाए? क्योंकि लड़कियों को लेंगे ना सारे ठरकी बैठे हुए, आगे आगे सब ठरकी बैठे हुए। टैलेंट की कदर नहीं है, हुसन की कदर है, लड़कियों को पहले आगे करते हैं। मसला क्या है आपको? कौन सा मसला भाई? ये सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ ना, लड़का मैं हूँ, मैं बोलूंगा ना कि मैं लड़कों को क्यों नहीं चांस देता। नहीं जानता, मेरी बात सुने, आपने मेरे साथ इंटरव्यू करना है या इनके साथ? आपके साथ। तो फिर इनको भगाएं आप यहाँ से। मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना, ठीक है? देखिए एक और मेरा सवाल है, ये पाकिस्तान में आजकल हमारे जो है बाहर से भी टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, तो लोग यहाँ इनको तंग कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि यार लोगों को पता नहीं है ना कि कैसे बिहेव करना है। अब अंग्रेज को तुम्हारी मजाक मस्ती थोड़ी समझ आएगी, अंग्रेज को चाहिए होते फ्री स्पेस, अंग्रेज ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, उनको आज़ाद छोड़ दो, वो जो करते अपनी मर्जी से करते, अकेले ट्रेवल करते यूरोप से, अकेले आते, अकेले होटल में रहते, हर चीज़ अकेले करते, नहीं करते। आपने माइक भी ले लिया मेरा सर, जज्बाती हो गए। असल में ये सवाल ऐसा है ना, मैंने देखा अंग्रेजों को काफी ज्यादा छेड़ते हैं, तो मैंने कहा इसका जवाब मैं दे दूं। क्या बोल रहे हो आप? छोड़े इनको, आप अपनी बात बताएं ना। आप मुझे बताने का मौका देंगे तो मैं बताऊंगी ना, वो फौरन माइक छीन लेते हैं। मैं क्या करूं, बदमाश है पता नहीं कौन है। नहीं नहीं सर, मैं गरीब बंदा हूं, मैं भी सताया हूं, पेट्रोल मेरे लिए भी महंगा है। गर्लफ्रेंड है? नहीं ना सर, जो आपने पहला सवाल पूछा तभी तो मैं चढ़ गया कि अजीब लोगों को जम गए यहां आके सर, जमना पड़ा। देखिए मेरी आप बात सुने, आप इसको छोड़ें, आप मुझे एक और सवाल का जवाब दें, उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म कर देंगे, ठीक है ना? मेरा आपसे ये सवाल है कि आप आजकल सपोर्ट किसको कर रही हैं? पीटीआई को कर रही हैं, नून लीग को कर रही हैं? देखिए मेरे ख्याल में ना, मेरे ख्याल में सब एक जैसे हैं, मेरे ख्याल में। देखिए पहले पहले पेट्रोल कितने रुपए लीटर? जाओ कहाँ, चलो जाओ यहाँ से। ये क्या माइक छीन लिया आपके साथ? नहीं है ऑन कैमरा, मेरी बेइज्जती की, टीवी पे मैं कैसा आ रहा हूँ? माइक आप तोड़ दोगी आप लोग दोनों? यार ये माइक महंगा है भाई, आप मुझे मेरी नौकरी तेल सर, मैं तो कह रहा हूँ दोनों एक जैसे। पहले पहले पेट्रोल 70 रुपए था, पीटीआई आई 150 हो गया, अभी दोबारा ये 210 हो गया, सब बढ़ा ही रहे, कम तो कोई नहीं कर रहा। मुझे क्या पता कौन है, आपके साथ आया पीछे पीछे। मेरे साथ नहीं आया, मैं ऐसी चीजें लेके थोड़ी घूमती हूँ। ऐसी चीजें क्या, मैं क्या आपके दुकान पे मिलता हूँ क्या? पता नहीं, फिलहाल तो ऐसे आ रहे हैं आप। मैंने सवाल का जवाब दे दिया, जो जवाब मुझे देना लगा, मुझे लगा कि आवाम को ये बातें जानना जरूरी है जो सिर्फ मैं बता सकता हूँ। आप जाने ये जाने, आपको भगाने का फरिश्ता बन के आया हूँ। अच्छा हाँ, ये सवालों के जवाब सिर्फ मैं आवाम तक पहुँचा सकता हूँ। कैमरामैन टीवी पे अच्छा लग रहा हूँ ना? कैमरामैन छोड़ो, कैमरामैन इनविजिबल है। अच्छा आप छोड़ दो उसको, आप इसको जानती हैं? मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती। नहीं मैं तो जानना भी नहीं चाहता इनको। अच्छा हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं, मेरे को ना इनकी दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी। तुम हो कौन? मैं तो इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप मेरे को बार बार पकड़ रही है ना, बोल हो रही है, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, ठीक है ना? तो 5 दर्जन में कितने हुए? ये सर देखिए, ये मैथ्स का सवाल है, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। आपने सवाल ही गलत किया ना, इसके लिए शायद उसको पता हो। इसको घंटा नहीं पता, ये वही बंदा जो उर्दू में कहते हैं कौमी तराना है, इसको क्या पता होगा? इसको ये नहीं पता 23 मार्च को क्या हुआ था, इसको ये नहीं पता इसकी तारीख पैदाइश क्या है, तारीख पैदाइश क्या तुम्हारी? यार ये इसको कैसे पता होगा, ये पैदा थोड़ी हुआ, ये उठाया गया सीढ़ियों से।
सर आप दूसरा सवाल पाकिस्तान में गर्मियाँ बहुत पड़ती है, सर्दी नहीं है, इसकी क्या वजह है? हमारे गुना सर, इसकी वजह मैं आपको बताऊँ क्या है। सारे देखिए, इसका रंग देखें आप, काला है। अब इस मुंह के ऊपर गर्म ही मौसम मिलेगा ना, ठंडा थोड़ी मिलेगा। ठंडा मौसम आपको मरी में मिलेगा, मरी में मेरे जैसे लोग पाए जाते हैं। ओके, चले मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ के अपने इंटरव्यू खत्म करता हूँ। आप जैसे जो पतले लड़के हैं, आप उनको क्या मशवरा दोगे, क्या नहीं करें तो उनकी सेहत बची रहे? एक ही काम का मशवरा है जो 2:30 बजे के बाद ये लोग रात को करते हैं, उसी ब्राउजर खोल के। अरे हाँ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया यार? यार इंटरव्यू ले रहे हैं यार, वजह क्या है भाई? बोल रहे हैं वजह वेस्लीन है। हाँ ना, खोपरे का तेल, वेस्लीन, लक्स साबुन, सनसिल्क शैम्पू, पेंटीन शैम्पू। आप हंस रहे हैं, पेंटीन शैम्पू पे हंसा ये बंदा? ये हंसा था वेस्लीन में, बता रहा हूँ। अरे भाई नाराज नहीं होना, मेरी जान, मजाक कर रहे हम लोग। ये कैमरा जो है ना इंटरव्यू का नहीं है। अच्छा, यकीन करो आप, माशाल्लाह जो आपकी हाइट है ना, आप अपनी बॉडी बनाओ, आप जॉन अब्राहम लोग। यकीन कर, मजाक के अलावा, यकीन करो, जॉन अब्राहम रात में, मजाक के अलावा, और दिन में दिन का राजा। सही है। और पेंटीन शैम्पू आज के बाद बालों पे नहीं लगाना। सही है। बालों पे सिर्फ वो बच्चों वाला शैम्पू लगाओ, केमिकल नहीं होता उसमें। देखो वो भी पता है इसको, वो भी पता है। ये आजकल लड़कों में एक ट्रेंड फैला हुआ है, ये सफेदी की क्रीम लगा रहे हैं, ये क्या वजह है? सर इसने भी लगाई, इसने भी लगाई, असर नहीं की, असर नहीं की, कंपनी पे केस करने वाला है ये। अच्छा, क्या हो गया? आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप मुझसे लो ना। नहीं, मैं आम बेच रहा हूँ। ये आपका क्या है आप? सर मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, क्या भगाओ ना उसको। तो मेरे साथ थोड़ी ना खड़ा हुआ है आप सवाल? यार मैं तो जवाब दूंगा ना, मेरे को जवाब आता है मैं तो दूंगा। खुश रहे हो मर्द हो ना, तो भगाओ ना। यार भगाओ क्या, भगाओ मैं कुत्ता हूँ, मेरे को भगाएगा वो? मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मैं तो दूंगा। यार जवाब तो सही दे रहे सारे वो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। एक जवाब गलत हो फिर पकड़ो मेरे को तुम। पाकिस्तान का कौमी तराना उर्दू में तुमने बोल के मेरे दिल तोड़ दिया। यार जाओ ये क्या बताएगा? पाकिस्तान का कौमी तराना ये लगता है अफ्रीका से। इधर आओ क्या मसला है? इंटरव्यू देना बाद में लेंगे। मैं आपको देता भी हूँ, लेता भी हूँ। सही है, अभी हम लोग मजाक कर रहे थे, हम दोनों मिले हुए, ठीक है, समझ आ रहे। दुनिया में कुछ क्या हुआ पता चला? अच्छा, आप दोनों मिले हैं। हाँ, मेरी बात सुनो। उधर अपने ये शेर है, ये हाल देखो इनका। यहाँ हाँ बोलो, यहाँ प्रैंग हो रहा है। हाँ, मिले हुए ना हम लोग, वो कैमरा हमने प्रैंक के लिए लगाया। प्रैंक के लिए? किसके लिए? प्रैंक के लिए। हाँ, मुझे ख़त्म नहीं करना था, वहाँ मैंने एक बहुत प्यारी लड़की देखी, भी सीन के बाद मैं वहाँ जाऊँगा ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी हाथ हिला दो। हाँ, जल्दी जल्दी हाथ हिला दो ताकि मैं जाऊँ। आखिरी आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद आपको इजाजत है, आपको भी इजाजत है, आप तो बीच में भी नहीं बोलना, लड़की को बोलने दो। देखो, लेडीज फर्स्ट। ओके, ये लेडीज फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है, आया कहाँ से? मेरे ख्याल में देखिए, ये गलत है, जो पहले आया हक उसका है। चाहे वो कौन, क्या हुआ, एक मिनट पकड़ेगा, हुआ क्या, तुम्हें मसला क्या है? किस बात का मसला? तुम्हें मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन रुको यहाँ पे, बात सुनो मेरी। मैं क्या सुनूं? मेरे पूरा इंटरव्यू तुमने खराब कर दिया। कौन सा इंटरव्यू? तो मैं भी तो जवाब दे रहा था, आप कुछ भोंक ही नहीं रही। मैं ही अच्छा, नहीं है ना? नहीं।